आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर हमसे पूछा गया है, गिव द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब पर सेकेंड। मतलब हमें बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता है वेंचुरी मीटर, मतलब वेंचुरी मीटर कैसे काम करता है, और दूसरी बात हमें एक्सप्रेशन निकालना है कि जैसे जो वॉल्यूम है वो कितना फ्लो करेगा पर सेकेंड, वो कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा होगा। तो वॉल्यूम पर सेकेंड कितना फ्लो कर रहा होगा, वी बराबर A1 V1। ठीक है, बट अभी ये इसलिए क्लियर नहीं है इतना क्योंकि आपको V1 की भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको आप A1 तो डायरेक्टली मेजर कर लोगे, V1 भी तो आपको पता होनी चाहिए, तो वो भी हम निकालेंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं वेंचुरी मीटर क्या होता है। वेंचुरी मीटर क्या होता है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ पाइप। ठीक है, मतलब ये एक डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए फ्लो, कि कितनी तेजी से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पाइप के अंदर कितनी वेलोसिटी होती है उसकी। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि इसका मतलब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल वो किस तरीके से काम करता है। असल में क्या है, वेंचुरी मीटर बर्नौलीज थ्योरम के बेस काम करता है, बर्नौलीज थ्योरम पे काम करना है। वेंचुरी मीटर इज वर्किंग ऑन बर्नौलीज थ्योरम। ओके, तो इसका जो एक्सप्रेशन था वो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम अगर हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, जो प्रेशर है इस पॉइंट पे पी प्लस हाफ रो वी वन, मतलब जैसे इसकी जो पानी है, मतलब जो भी हमारे पास जो लिक्विड है उसकी जो वेलोसिटी है वो वी वन है, और जो उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी रो, तो हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस ये पी। तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर एक पॉइंट है, मतलब ये हमारा कुछ पॉइंट, हमारा जो ये है, ये कुछ हमारा पॉइंट ए है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये जो है हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो यहाँ पे जो हाइट के जो डिफरेंस की वजह से प्रेशर आ जाएगा है ना, वो कितना हो जाएगा, रो जी एच बराबर प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कुछ अलग हो गई क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन था वो कम हो गया, प्लस रो जी एच, क्योंकि रो जी एच यहाँ पे सेम ही रहेगा। एच क्यों सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ ये जो एच है ये कुछ कैपिटल एच मान लीजिए इसको, ये जो रोजी एच है वो सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों एक सेम हाइट पे हैं। अगर हम मतलब ऊपर से अगर हम जो अर्थ का जो एटमोसफेयर है उसका पूरी बात करें तो सेम हाइट तक हमारे, तो रोजी एच की वैल्यू सेम रहेगी यहाँ पे, तो रोजी एच से जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाता है हमारे पास में, पी ए माइनस पी बी। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, हाफ हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर के बराबर आ गई। अब आपको पता है अगर आप पी ए माइनस पी बी की बात करें तो वो क्या आएगी, पी ए माइनस पी बी की वैल्यू होगी प्रेशर एट पॉइंट ए, मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए और प्रेशर एट पॉइंट बी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो वो डिफरेंस कितना होगा, जो इन ये जो ट्यूब है इसकी जो हाइट जो जा रही है, मतलब इसकी कुछ हाइट होगी एच वन और इसकी जो हाइट होगी वो एच टू होगी, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, मतलब एच वन माइनस एच टू जो हमें कितना दे रखा है, एच दे रखा है इस वैल्यू एच के बराबर, तो यानी कि ये कितना पी ए माइनस पी वी कितना आ गया, रो जी स्मॉल एच। ठीक है, हाफ रो। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसकी हेल्प से हम वी वन और वी टू में रिलेशन निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से। तो वो क्या होगा, ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू। अब यहाँ पर ए वन वी वन ए टू वी टू में रिलेशन निकाल लिया, तो ए टू की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए वन टाइम्स वो वी वन अपॉन में वी टू, और वी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वन अपॉन ए टू इंटू वी वन। तो यानी यहाँ पर हम इसकी अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, तो वी टू की वैल्यू कितनी है, ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर इंटू वी टू वी वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर,
तो अब क्या आ जाएगा, रो से यहाँ पे ये रो से ये रो कैंसिल हो गया, तो 2gh बराबर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, और यहाँ पे जो v1 स्क्वायर था वो कॉमन आ जाएगा, यानी कि जो v जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, v1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2gh अपॉन में 2gh अपॉन में a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर -1, ठीक है, इसका अंडर रूट आ गया। तो यानी कि जो हर सेकेंड जो वॉल्यूम फ्लो हो रहा है वो कितना होगा, a1 into v1, और यहाँ पे v1 की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली हो, a1 की हमें वैल्यू पता ही है क्योंकि हम उसको इजीली मेजर कर लेंगे वहीं पे, तो वो हमारे पास में वॉल्यूम कितना आ गया, a1 into 2gh अंडर रूट अपॉन में a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर -1। आई होप आपको जो ये आंसर था वो क्लियर हो गया होगा, कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो समझ में आ गया होगा, बर्नौलीज थ्योरम में कैसे अप्लाई करते हैं वो आ गया होगा, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से हमने इसको इजीली a1 और v1 और a2 v2 के अंदर रिलेशन हमने निकाल लिया और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। आई होप आपको ये आंसर होगा वो क्लियर हो गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।